तो मेल ने बाद में क्रॉस किया था, लेकिन दो अंडे अनफर्टाइल हुए थे, जिसकी वजह से कह लें कि मुझे डाउट है कि मे बी ये वाले जो चिक्स है ना वो इस मेल के ब्लड से नहीं है। ये वाला हमारा मेल है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शहजाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज की वीडियो है वो इस पेयर के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो है वो बीएफ बीबी का मेल था और फीमेल हमारी ब्लैक ब्रेस्टेड ओबी की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके दो तीन बच्चे निकले हैं और तीनों के तीनों जो है ना वो फ्लाई करके बाहर आ चुके हैं। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये है माशाल्लाह, ये देखे तीनों फ़ौन के हैं, अपने माँ बाप पे गए हैं और आगे इंशाल्लाह ये मोल्ट पे जाएंगे तो फिर और सूरत हाल हमारी क्लियर हो जाएगी कि ये क्या और किस चीज़ का इनका कम्बिनेशन है म्यूटेशन में। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इसमें से कोई ब्लैक फेस निकले और म्यूटेशंस को जो है वो आगे बढ़े इसमें से कोई चीज़, लेकिन हुआ यूँ कि मैंने ये पहले वाली ये फीमेल पहले छोड़ी हुई थी, एक नॉर्मल जो हमारा कह लें कि ग्रे का एनजी का जो हमारा नॉर्मल ग्रे होता है कॉमन ज़ेब्रा, उसके साथ। तो मे बी वो तीन अंडे जो है ना वो मैं देख रहा हूँ कि वो तीन अंडे जो है ना मे बी वो ये वाले हों जो इस फीमेल के साथ हों। तो मेल ने बाद में क्रॉस किया था लेकिन दो अंडे अनफर्टाइल हुए थे, जिसकी वजह से कह लें कि मुझे डाउट है कि मे बी ये वाले जो चिक्स हैं ना वो इस मेल के ब्लड से नहीं है, क्योंकि अगर इस मेल के ब्लड से होते तो इनके टीयर मार्क्स ख़त्म होते और ब्लैक ब्रेस्टेड में जाते, ब्लैक फेस भी आता, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जो ब्लैक फेस है वो डोमिनेंट जीन्स है, तो एक ना एक चिक्स तो इसमें से लाजमी ब्लैक फेस पे जाना चाहिए था। तो मज़ीद मैं मोल्ड का तो इसके इनके मोल्ड होने का इंतज़ार करूँगा, लेकिन मुझे जो है ना वो इनके टीयर मार्क्स की वजह से जो टीयर मार्क आ चुके हैं वो मुझे डाउट है कि ये स्प्लिट हो गए हुए हैं। और देखें इनकी जो दुम है वो भी तकरीबन कह लेंगे स्प्लिट की तरह ही निकल रही है। मज़ीद अल्लाह वल्ला आलम, इसको हम टाइम देंगे इनको कि ये किस किस्म की अपने आप की जो है ना रंगत को बदलते हैं। ये वाला जो देखे तो प्रॉपर पूरे की पूरी इसकी जो टेल मार्किंग है वो ब्लैक ब्रेस्टेड की निकल रही है, वो भी ब्लैक ब्रेस्टेड की निकल रही है। ये वाला ब्लैक ब्रेस्टेड है लेकिन इसके अंदर डॉट्स हैं और इसकी टेल मार्किंग में हमें पता चल रहा है कि ये स्प्लिट है। तो मज़ीद जो है ना वो इंशाल्लाह बड़े होंगे, माशाल्लाह तीनों हेल्दी हैं, एक्टिव हैं। ये जो अंदर सो रहा है इसने तो कल का कह लें कि जंप लगाया हुआ है, कल से निकला हुआ है। तो मैं तीनों का वेट कर रहा था कि यार ये तीनों जो है ना वो बाहर निकलें तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मज़ीद चलें जी, एक क्लच हम और देखेंगे इसका क्या सीन है। ये हमारी फ़ीमेल है जो ब्लैक ब्रेस्टेड ओबी की है और वो हमारा जो मेल है वो ब्लैक ब्रेस्टेड और ब्लैक फेस भी है, तो उसमें ऑरेंज का थोड़ा बहुत टच भी है। तो देखें जी, ये वाला हमारा मेल है, देखें मेल बहुत ज़बरदस्त है और फीमेल भी अच्छी है ब्लैक ब्रेस्टेड, इसमें ओबी का कलर शामिल है। लेकिन ये है कि अब हम देखेंगे कि इनका नेक्स्ट क्लच और ये वाला जो क्लच है, जो ये वाले बेबीज़ हैं, इन्होंने अपने आप को किस रंगत में डाला है। तो ये देखें जी, पूरी फैमिली फीमेल मेल और तीनों बेबी, जब मगरिब होने वाली है तो मेल थोड़ा सा इनको खिलाना चाह रहा है कि लाइट से पहले पहले, क्योंकि मैं रात को लाइट नहीं चलाता तो जितना भी है कह लें कि रोशनी वही है जो रात को ऑफ सूरज ढल जाता है तो वो वाली, और सुबह जब सूरज निकलता है तो उतनी ही कह लें कि रोशनी इनको मिलती है। तो मैं लाइट सब बिल्कुल मैंने छोड़ दी हैं जलाना, क्योंकि नाइट में अगर आप लाइट ऑफ कर देंगे तो बच्चे जो है ना वो अच्छे तरीके से सो सकेंगे और दूसरा सुबह फ्रेश होंगे और जल्दी बढ़ना शुरू भी हो जाएंगे। देखें जी, पूरी फैमिली आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा कम्बिनेशन था। मैं एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा था लेकिन कुछ निकला और है। बात कर ये भी होता है कि जो आपके अंडे अनफर्टाइल हो जाते हैं वो वाले जो हैं वही आपके जो है ना वो कह लें कि जो एक्सपेक्टेशन होती हैं उन्हीं में से होते हैं। और इनका एक चिक जो है वो एक्सपायर भी हो गया था, तो उस बगैर अभी फीडर्स नहीं आए थे
तो 50% होता है आपकी जो कह लेंगे रेशो होती है कि आप जो उस कम्बिनेशन लगा रहे हैं पेयरिंग का, उसमें से 50% जो है ना वो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो निकलेंगे, तो बाकी 15 जो फेंकना होगा मेल फीमेल ने वो फेंक देते हैं। तो चलें जी, हम फिर भी खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हेल्दी 4-3 चिक्स हमारे पास आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह जब ये जाएंगे सेल्फ पे तो हम इनको जो है ना वो अलहदा करेंगे, और उससे पहले जब ये अपना मोल्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कौन सा और कलर निकालते हैं। तो अगर फीमेल को देखें तो फीमेल पीछे से आपको ऑरेंज ऑरेंज सी नज़र आ रही होगी, इसके पीछे वाले जितने भी फीदर्स हैं वो सारे ऑरेंज टाइप है, तो ब्लैक ब्रेस्टेड ओबी की ये स्प्लिट है, और जो मेल है हमारा ब्लैक ब्रेस्टेड, ब्लैक फेस और ओबी का, वो भी उसके अंदर स्प्लिट का ब्लड शामिल है। तो ये देखें चलें जी, ये थी हमारी वीडियो इस पेयर के बारे में। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाजमी शेयर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर क्वेश्चंस हैं तो लाजमी पूछें कमेंट्स के अंदर। मैं हर बंदे को रिप्लाई करता हूं, मेरी आदत ये नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करता कि इग्नोर कर देता हूं, नहीं। बहुत सारे दोस्त नए भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल ही वो कह लें कि स्क्रैच लेवल या बिल्कुल लो लेवल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन तो है ना यार, बिल्कुल सिंपल है, वो वाले कमेंट्स भी लोग करते हैं जो बिल्कुल नए हैं अभी और जिनको ये चीज़ें हैं। तो मैं किसी क्वेश्चन किसी कमेंट्स को इग्नोर नहीं करता, मैं लाजमी जवाब देता हूँ, चाहे एक दिन हो जाए दो दिन के अंदर मेरी कोशिश होती है कि मैं रिप्लाई कर दूँ। जैसा भी क्वेश्चन आपके दिल में है, जो भी आप पूछना चाहें, बिला झिझक आप पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब देने के लिए तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ज़िंदगी दे आप सबको, आपके माँ बाप को सेहत दे, मुझे दुआ में याद रखें, और उम्मीद करता हूँ कि आपके बर्ड्स भी हेल्थी होंगे और बहुत अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।